फीवर 104 एफएम के ब्रांड न्यू शो भारत पॉजिटिव में आपका स्वागत। इस भारत को भारत पॉजिटिव बनाना है, इस भारत को भारत पॉजिटिव बनाना है। गुड मॉर्निंग सर जी, मेरा नाम शरद, इस शो का नाम भारत पॉजिटिव। भारत के वीर .gov.in के बारे में आपको पता है ना? ये कैसी वेबसाइट है जहाँ पे आप शहीदों के परिवार को डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं। ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई एनजीओ बीच में पड़ेगा, स्ट्रेट इनटू देयर अकाउंट्स। बड़ी गजब की इनिशिएटिव है, अक्षय कुमार हमारे चहेते सुपरस्टार का आइडिया है। भारत सरकार के साथ मिलकर ये वेबसाइट क्रिएट की गई और इस वक्त बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो, हेलो, हाय शरद जी, नमस्कार। हेलो, क्या हाल आपके? मैं ठीक हूँ शरद जी, निंदिया दिस साइड फ्रॉम मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल नोएडा। अरे निंदिया जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? फुल ऑन पॉजिटिविटी का माहौल है इस वक्त। एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू आल्सो, आई वाज लिसनिंग टू योर रेडियो और आपका भारत पॉजिटिव शो तो अमेजिंग शो है एंड इट्स स्प्रेड ऑल अराउंड। सो आई गर्ल इन ग्रेड 11। अच्छा। और आज ऋषिका मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मैम, हम सब 26 जनवरी 15 अगस्त को हम सबकी पेट्रियोटिज्म जग जाती है जी। फ्लैग होइस्ट कर लिया, परेड देख ली और उसके बाद इट्स अ हॉलीडे, यू नो, लेकिन पेट्रियोटिज्म वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा। So what this girl has done is she's got an Instagram account। अच्छा। उसने उसमें ना सबको डाला अपने फ्रेंड सर्कल में कि आई वॉन्ट टू कलेक्ट मनी एंड आई वॉन्ट टू डोनेट ऑन दिस स्पेशल डे। Not believe Sharat ji, within minutes around 20 people connected and they have all promised her to donate money which is going to come around 20,000 to 30,000 rupees. निंदिया जी, क्या हम ऋषिका से बात कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल शरद जी, हम ऋषिका से बात कर सकते हैं। भाई फोन लगाना। हेलो ऋषिका। यस ऋषिका, फीवर 104 एफएम से मैं शरद बोल रहा हूँ जी। क्या गजब का काम किया बेटा तुमने, निंदिया मैम हमारे साथ लाइन पे है। बेटा तू तो छा गई यार, कितने लोगों को इंस्पायर तुमने, क्या दिमाग में चल रहा था, थोड़ा हमें बताओ ये कैसे थॉट आया तुम्हारे मन में? एक्चुअली मेरी जो सोसाइटी है जी, यहाँ पे हमारी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, तो हमारे पास जो फंड थे वो खत्म हो गए थे प्रोग्राम के लिए। अच्छा। तो जितने भी लोग सोसाइटी वाले हैं सब उसमें पैसे डाल रहे थे, तो वो देख कर जितना अर्न हुआ है वो मेरे को लगा कि हम जो सिर्फ कुछ घंटों के प्रोग्राम के लिए खर्च कर रहे हैं तो मतलब कितने लोगों का साल बन जाएगा। ये सिर्फ 15 अगस्त और 26 को सिर्फ झंडा लहरा के गाना वाना गा के तो देशभक्ति नहीं होती ना, सिर्फ दो दिन की देशभक्ति का क्या फायदा। इसकी कंसिस्टेंसी सही होती है बेटा। सुना इंस्टाग्राम पे तुमने कुछ रिस्क कर लिए, वो भी चुटकियों में, इफ आई मे आस्क कितने कर लिए? इट्स 25,000, ऑलमोस्ट 25,000। वाओ, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। सर जी, आप जो फीवर एफएम सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, सर आप याद कीजिए जब 11वीं क्लास में आप थे तो आपकी सोच कैसे थी, और यहाँ एक ऋषिका है जिसने 25,000-30,000 रुपए रेज कर लिए क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ 26 जनवरी में पेट्रियोटिज्म दिखाने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको कंसिस्टेंटली दिखाना चाहिए। हम तो सर दूर दूर तक ऐसे नहीं थे, और आज की हमारी ये जनरेशन ये बहुत अलग किस्म से सोच रही है। सर आने वाले